बणमल्ली बणरे फुटी बौली जाए। ओडिशार बणमल्लीर गुण राज्य में स्वीकृति पाइबा पूर्वरु तार बासना देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाखरे पहुंची जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम एमिती किछि अजणा ओडियांक ना नै प्रशंसा करिछंती, जो माने सेमानंकर अनन्य प्रतिभा पाइ परवर्ती समय राज्य तथा देश में परिचित हो पारिछंती। केउठी आशा दीदी तो किए पखाळ खाई यूट्यूब रे ना करिछि, किए गछ लगाइछि तो किए प्लास्टिक आवर्जना सफा करिछि, तो पुणि किए युवकंकु सेनारे भर्ती पाई निर्भीक प्रशिक्षण देउछि। एमिति अनेक अचिन्हा चेहरा को खोद प्रधानमंत्री मोदी ओडियांक लोकलोचन को आनिछन्ति। आज जितेबले देश मोदी प्रधानमंत्रीत्वर 8 वर्ष पूर्ति पालन करुच्ची, मन की बात रे स्थान पाई ओडियांकु नै आमर एही स्वतंत्र सेगमेंट मोदी 8 वर्ष फोकस रे ओडिशा रे देखिबा बणमल्लीर वासना। दिन 11टा बाजिबा मात्रे रेडियो पाखरे भिड़ लागी जाए। गाँठू सहर पिलाठू बुढ़ा सभी जेपरी अनाई रही थांती एही खास समय को, कारण ए समय हेउछि देशर सबुठू लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात रो समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए कार्यक्रम जरिया रे निज मनर कथा देशवासी आगरे रखि थांती। गत 7 वर्षरु अधिक समय धरी एही धारा सारा देश रे चली आसुछि। 2014 अक्टोबर 3 पवित्र विजया दशमी दिन प्रथम थर पाई एही रेडियो कार्यक्रम प्रसारण आरंभ होइथिला। मेरे प्यारे देशवासियों, आज विजयादशमी का पावन पर्व है। आप सबको विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूं, और मेरे मन में तो ऐसा है कि सिर्फ आज नहीं, ये बातचीत का अपना क्रम आगे भी चलता रहे। मैं कोशिश करूंगा, हो सके तो महीने में 2 बार या तो महीने में 1 बार समय निकाल करके आपसे बातें करूं। आगे चल करके मैंने ये भी मन में सोचा है कि जब भी बात करूंगा तो रविवार होगा और समय प्रातः 11 बजे का होगा, तो आपको भी सुविधा रहेगी और मुझे भी संतोष होगा कि मैं मेरे मन की बात आपके मन तक पहुंचाने में सफल हुआ हूँ। यही कार्यक्रम इतने लोकप्रियता पछे एक बड़ कारण हो प्रधानमंत्री द्वारा अजणा प्रतिभाधारी स्वीकृति, जहाँ प्रतिभा संपर्क में निज राज्य कथा छाड़ू निज जिलार लोक भी अपरिचित था, से देश सामने परिचित कराई दिखती प्रधानमंत्री। आज जाए प्रसारित मन की बात 99 संस्करण से यहपरी अगणित प्रतिभा लोकलोचन को आनी प्रधानमंत्री मोदी। आमपाई गौरवर कथा जे प्रधानमंत्री द्वारा जनमानस परिचिति पाई बणमल्ली भितर अच्छा अनेक ओडिया। 29 नवेम्बर 2015 प्रत्येक मसर शेष रविवार पर यही तारीख में दिन 11टा समय आरंभ होता मन की बात 14तम संस्करण प्रसारण। प्रधानमंत्री मनर कथा शुणापी कोटि कोटि देशवासी कान डेरी बसी था। संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी जड़े महिला आशाकर्मी निष्ठापर सेवा भाव संपर्क में शुणाई। उड़ीसा के बालासोर जिले का एक छोटा सा गांव तेंदा गांव, ये आशा कार्यकर्ता और वहाँ की सारी जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब की है, अनुसूचित जनजातियों से के ही वहाँ लोग हैं, गरीबी है और मलेरिया से प्रभावित क्षेत्र है। और इस गांव की एक आशा वर्कर जमुना मणि सिंह, उसने ठान ली कि अब मैं इस तेंदा गांव में मलेरिया से किसी को मरने नहीं दूंगी। वो घर घर जाना, छोटे सा भी बुखार की खबर आ जाए तो पहुंच जाना, उसको जो प्राथमिक व्यवस्थाएं सिखाई गई हैं उसके आधार पर उपचार के लिए लग जाना, हर घर
कीटनाशक मच्छरदानी का उपयोग करे उस पर बल देना, जैसे अपना ही बच्चा ठीक से सो जाए और जितनी केयर करनी चाहिए, वैसे आशा वर्कर जमुना मणि सिंह पूरा गांव मच्छरों से बच के रहे, इसके लिए पूरे समर्पण भाव से काम करते रहती है। और उसने मलेरिया से मुकाबला किया, पूरे गांव को मुकाबला करने के लिए तैयार किया। ऐसे तो कितनी जमुना मणि होगी, कितने लाखों लोग होंगे जो हमारे अगल बगल में होंगे, हम थोड़ा सा उनकी तरफ एक आदर भाव से देखेंगे, ऐसे लोग हमारे देश की कितनी बड़ी ताकत बन जाते हैं, समाज के सुख दुख के कैसे न बड़े साथी बन जाते हैं। मैं ऐसे सभी आशा वर्करों को जमुना मणि के माध्यम से उनका गौरवगान करता हूँ। कार्यक्रम शेष हेला बेलू जमुना मणि सिंह का समर्पित सेवा भाव संपर्क में सारा देश जाणी सारी वालेश्वर जिला तेंदा गाँव में गणमाध्यम प्रतिनिधि भिड़ लगी जमुना मणि प्रतिक्रिया देवा भी शुणुनि कि मु मो हजबैंड जा धान कली बीड़ बांधे मुझे अलग जगह जाइए कली बीड़ आने मुझे जानी मुझ तो मोबाइल टाइम घर छाड़ देखिए जाइए आ मो माँ मत मुड़ा फिंगिक आसला पर मो माँ पछटे मत डाक झील शुणु शुण और तुम पाक फोन आए मुझे किए फोन कर तुम कथ मुझे मैडम तो अधा बाट चलिके आसे मो माँ धाई धाई मोबाइल टाइम आणिक देखे आणिक देर ये मीडिया भाई मैंने कहले कि आपको प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मन की बात आप घोषणा करा पर मुझे प्रथम तो डरी गले हे मीडिया कथा कहला मैंने तो मुझे कौन भूल भाल कम कर मीडिया जाके मो ना मो दीदी को फोन कले दीदी आमती एमती आज मीडिया वाला मो पाक फोन हे जमुना तु हूँ मैंने तू मेलेरिया भल कम कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तो ना मन की बात घोषणा कले बहुत मुझे खुशी केवल मन की बात जमुना मणि निस्वार्थपर सेवार प्रशंसा कर काम सारी नथिले प्रधानमंत्री दुई मास परे जेतेबेले भुवनेश्वर रे नाइजर शिक्षानुष्ठान उद्घाटन पाई मोदी आसी सेठाकु स्वतंत्र भाव में निमंत्रित करा जमुना मणि को मंच उपरे जमुना मणि को सम्मानित करथिले प्रधानमंत्री जमुना मणि जेतेबेले मंच उपरे प्रधानमंत्री पाद छुई कृतज्ञता जणाइबाकु उद्यम करथिले प्रधानमंत्री तांकु एथिरु निवृत्त करबा सह निजे मुंड नुआई जमुना मणि को प्रणिपात करथिले। दृश्य को प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में देखुथिबा कोटी कोटी देशवासी भाव विहोल हो जाइथिले। प्रधानमंत्री विनम्रता को सारा देश भूरी भूरी प्रशंसा करथिले। आ मातृजाति प्रति मोदी ए सम्मान बोध को सलाम करथिला मानव जाति। आशा कर्मी जमुना मणि सिंह को किए खोजिक बाहर कला ताकू रिकॉग्नाइजेशन किए देला रिकॉग्नाइजेशन जदि देशर प्रधानमंत्री देले एही पई देले ये राजनीतिक विषय नथिला ये प्रशासनिक विषय नथिला समाज रो शेष पंक्ति रे थिबा जने महिला आदिवासी महिला ता पंचायत रो ताख पाख गां अंचल रो स्वास्थ्य सेवा पई सचेत ताकू जो सीमित भूमिका अछि सीमित दायित्व अछि से दायित्व को पूरा करबी दायित्व रो पूरा करिवार परिधिरु आउ दीपदा को जाइकी से तार अंचल को आज स्वस्थ रखिछि ये सामाजिक आंदोलन नहीथिले ये सचेतन आंदोलन नहीथिले आज जमुना मणि सिंह भारत वर्ष रे आशा कर्मी मानक भीतर उदाहरण हिना तांता आज ओडिसा रे ये जमुना मणि सिंह नामक ये जो आंदोलन याकु आकु नवा पई पड़ी। राउरकेला रा इंजीनियरिंग छात्री भाग्यश्री साहू अदरकारी सामग्री और सॉफ्ट स्टोन रे से आंकी पट्ट चित्र देखिले जे केही लोकर आखि खुशी हो बण मल्लिकर प्रतिभा को भी दुनिया सामना को आनीथिले पीएम। मन की बात 73वां संस्करण रे प्रधानमंत्री भाग्यश्री को करथिले प्रशंसा। ओडिशा के राउरकेला की भाग्यश्री साहू को देख लीजिए, वैसे तो इंजीनियरिंग की तरह है, पिछले कुछ महीनों में उन्होंने पट्ट चित्र कला को सीखना शुरू किया और उसमें निपुणता हासिल कर ली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने पेंट कहाँ किया? सॉफ्ट स्टोन्स पर कॉलेज जाने के रास्ते में भाग्यश्री को ये सॉफ्ट स्टोन मिले, उन्होंने इन्हें एकत्र किया और बाद में उन्होंने रोजाना 2 घंटे इन पत्थरों पर पट्टचित्र स्टाइल में पेंटिंग की। वह इन पत्थरों को पेंट कर उन्हें अपने दोस्तों को गिफ्ट करने लगी। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बोतलों पर भी पेंट करना शुरू कर दिया। अब तो वो इस आर्ट पर वर्कशॉप भी आयोजित करती हैं। कुछ दिन पहले ही
सुभाष बाबू की जयंती पर भाग्यश्री ने पत्थर पर ही उन्हें अनोखी श्रद्धांजलि दी। मैं भविष्य के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। देशर प्रधानमंत्री तांकर प्रशंसा करिबे एकथा भाग्यश्रींकर कल्पना बाहर थिला आउ से एहा सुनिबा परे खुशी रे तांकर गोड़ तळे लागि नथिला। मु केबे भी एटा एक्सपेक्ट करनथिलि कि जे मते मोदी जी तांकर मन की बात रे एमती हाइलाइट कर देबे मते प्रमोट करिबे हेले जते बळे मु देखिली मन की बात हम टीवी रे समस्ते फैमिली बसिकी देखुतुलु सेते बळे हेटा गोटे प्राउड मोमेंट थिला मोठू बेसी मते लागुछि मो परिवार लोक बहुत प्राउड अछन्ति कि जे सेता पैशन पई आज देश रे जणाशुणा हि परछि मोदी जी मो विषय रे कहउछन्ति ताठु बड़ किछि भी नै। जगतसिंहपुर जिला नावगाँ ब्लॉक अरखकुदर जड़े युवक देश सिपाही करिवारे निज जीवन को उत्सर्ग करो नायक द्वारा प्रतिष्ठित महागुरु बाटालियान तालीम नहीं बहु युवक सेना और अर्धसामरिक बल में सामिल भी हो सारी किंतु तांकर महान कार्य संपर्क में दुनिया अपरिचित थी। 28 फेब्रुआरी 2021 मन की बात 74वें संस्करण में ये युवकों कार्य को मैन इन ए मिशन रो आख्या दई प्रशंसा करी थिले प्रधानमंत्री। नेशन का नाम महागुरु बटालियन है। इसमें फिजिकल फिटनेस से लेकर इंटरव्यूज तक और राइटिंग से लेकर ट्रेनिंग तक इन सभी पहलुओं के बारे में बताया जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया है उन्होंने थल सेना, जल सेना, वायु सेना, CRPF, BSF ऐसे यूनिफॉर्म फोर्सेस में अपनी जगह बनाई है। वैसे आप ये जानकर भी आश्चर्य से भर जाएंगे कि सिलू नायक जी ने खुद उड़ीसा पुलिस में भर्ती होने के लिए प्रयास किया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसके बावजूद उन्होंने अपने प्रशिक्षण के दम पर अनेक युवाओं को राष्ट्र सेवा के योग्य बनाया। आइए हम सब मिलकर नायक सर को शुभकामना दें कि वह हमारे देश के लिए और अधिक नायकों को तैयार करें। मोर छोट बड़े गोटे लक्ष्य तो लगे कि समाज पे कि करें समय तो सेमती अभिलाष देखते कि समय चक्र से पड़ समस्ते निज नैतिकता भूली जाते कि मत आंदोलित करा जहाँफल मुझे चाकरी छाड़ी पल 7 दिन ट्रेनिंग कर रिटर्न करी बैक कलापर मुझे भाविली मोर जो जी मो नलेज मो एक्सपीरियंस अनुसार मुझ आग 5-6 जन को नहीं कि रनिंग फनिंग करी फास्ट स्टार्टिंग कली आस्ते 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 आस्ते, आस्ते पिला आसली सक्सेस। 28 मार्च 2021 मन की बात 75वें संस्करण में प्रधानमंत्री 2 जन ओडिया महत कार्य को खूब प्रशंसा करते सारा दुनिया नजर आढ़ुआल रही परिवेश सुरक्षा पाई निरंतर कार्य करुवा एही दुई ओडिया को लोकलोचन को आनी थिले प्रधानमंत्री मोदी। जैसे एक साथी है विजय कुमार काबी जी। विजय जी उड़ीसा के केंद्रपाड़ा के रहने वाले हैं। केंद्रपाड़ा समुद्र के किनारे हैं, इसलिए इस जिले के कई गांव ऐसे हैं जिन पर समुद्र की ऊंची लहरों और साइक्लोन का खतरा रहता है। इससे कई बार बहुत नुकसान भी होता है। विजय जी ने महसूस किया कि अगर इस प्राकृतिक तबाही को कोई रोक सकता है तो वो प्रकृति ही रोक सकती है। फिर क्या था, विजय जी ने बड़ा कोट गांव से अपना मिशन शुरू किया। उन्होंने 12 साल साथियों 12 साल मेहनत करके गांव के बाहर समुद्र की तरफ 25 एकड़ का मैंग्रोव जंगल खड़ा कर दिया। आज ये जंगल इस गांव की सुरक्षा कर रहा है। ऐसा ही काम ओडिशा के ही पारादीप जिले में एक इंजीनियर अमरेश सामंती जी ने किया है। अमरेश जी ने छोटे छोटे जंगल लगाए हैं जिनसे आज कई गांवों का बचाव हो रहा है। साथियों इस तरह के कामों में अगर हम समाज को साथ जोड़ लें तो बड़े परिणाम आते हैं। विजय कुमार कविंकर 12 वर्षर तपस्या को मिली मान्यता। बात्या प्रवण केन्द्रापड़ार समुद्र तट में 25 एकर हेन्ताला बण सृष्टि करी जो विरल उदाहरण तैयारी करी सारा देश से संपर्क में परिचित होता से छोट छोट जंगल सृष्टि मध्यम परिवेश सुरक्षा पर पारादीप्र अमरेश सामंत प्रयास को प्रधानमंत्री सबासी देवा ओडिशावासी गर्वर विषय थी।
अर्गस न्यूज़ रो प्राइड ऑफ ओडिशा कार्यक्रम रे अमरेश सामंत तांकर ही अनुभूति बखाणी थिले। गत मार्च 28 तारीख दिन मन की बात रो 75वां एपिसोड रे आमर प्रिय प्रधानमंत्री आमर कार्य को भूयसी प्रशंसा करथिले एवं समस्त परामर्श देथिले जे जेबो अमरेश नरे सामंत जे कार्य करचोनी तांको साथी मानु नै सेही भई कार्य दि समाज रो सबु कोण अनुकोण जोडी दिया जाय ताले निश्चित भाव रे आम परिवेश रो एवं आम राष्ट्र मंगल हबो। ये जो कार्य कथा कही आमको प्रशंसा करते प्रिय प्रधानमंत्री आम मन में बहुत भाग उत्साह भरी देखिए आगामी दिन में आमको यह निश्चित भाव प्रेरणा कर पखाल देखा परिचय भोक दूरसह रोजगार देखा यूट्यूब भिडियो आदिवासी युवक इशाक मुंडा टेक्नोलोजी सहारा निजपाई रोजगार और परिचय तैयारी मन की बात 79वां संस्करण में इशाक चैलेंज को तारीफ करते प्रधानमंत्री मोदी। हमारे एक साथी के द्वारा किया जा रहा टेक्नोलॉजी का उपयोग भी आपको अचंभित कर देगा। ये साथी हैं ओडिशा के संबलपुर जिले के एक गांव में रहने वाले श्रीमान इशाक मुंडा जी। इशाक जी कभी एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे लेकिन अब वे एक इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं। अपने यूट्यूब चैनल से वो काफी रुपये कमा रहे हैं। वे अपने वीडियोज में स्थानीय व्यंजन पारंपरिक खाना बनाने के तरीके अपने गांव, अपनी लाइफस्टाइल, परिवार और खान पान की आदतों को प्रमुखता से दिखाते हैं। एबे सुधा यूट्यूब रे इशाक का फॉलोअर संख्या 8 लाख पार कर सारे छि। अमेरिका ब्रिटेन ब्राजिल ऑस्ट्रेलिया जापान परि देश रे तांकर फॉलोअर्स अछंती। दिने दुई मुठा दाना जोगाड़ थिला कष्टकर आउ एही पखाल देथिला सेते बेले तांकु रोजगार। मन की बात कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री प्रशंसा पर निजकू गौरवान्वित मन कर इशाक मुंडा। हेटी आम खाली खाइबार खाली खाऊ जतन रे एंता जी हप्ता को काम करूँ बोले मात्र 100 कि 150 टाँ आम रखमु जतन रे बाकी सब तो चावल साग थी सरी जा। 27 मार्च 2022 यही दिन प्रसारित मन की बात 87वां संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी युव ओडिया राहुल महाराणा परिवेश प्रति उत्सर्गीकृत कार्य प्रशंसा कर। एक और स्वच्छाग्रही है ओडिशा में पुरी के राहुल महाराणा। राहुल हर रविवार को सुबह सुबह पुरी में तीर्थ स्थलों के पास जाते हैं और वहां प्लास्टिक कचरा साफ करते हैं। वो अब तक सैकड़ों किलो प्लास्टिक कचरा और गंदगी साफ कर चुके हैं। तीर्थस्थली प्लास्टिक आवर्जना सफा करिवारे लागी राहुल महाराणा महान कार्य को आज देश जापार जदि प्रधानमंत्री ना मन की बात कार्यक्रम नहीं न था जिनसा जो एक्टा करूली आउ कहीं देखी पार ना आज दिल्ली में मानने प्रधानमंत्री पाखे से कथ पहुँची आ प्रधानमंत्री मन की बात प्रशंसा करा मत भारी खुशी लगला। धन्यवाद जनवि माननीय प्रधानमंत्री को जे बहुत एनकरेजिंग करम मान को आम मान मनोबल को वृद्धि करने गोटे प्रयास करोटा कि आगक आम मनोबल वृद्धि कर देखि मोर पखापाखि अंचल भाई मैंने सांगसाथी मैंने मो संगे जॉइन होम करम समस्त लक्ष्य जे आम ये जो बेलाभूमि हो जो मैंग्रोव हैबिटेट हो जहाँ भी अच्छी आम परेश सुरक्षा देवु परेश संतुलन बजाय रखू से जिनस आम चेष्टा करूँ। जमुना मणि राहुल महाराणा जाए परदा आढ़ुआल रही जाइए अनेक प्रतिभा महत्व कार्य को लोकलोचन को आनी सारी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निजे तो सबासी देखते यह छड़ा सारा दुनिया भी आज प्रशंसा करुच्ची प्रतिभा आगकु एपरी आहुरी बण मल्लिकर महत कार्य प्रधानमंत्री जुगांतकारी रेडियो शो मन की बात जरिया दुनिया जानिबो। हमर स्वतंत्र उपस्थापना को यही रखुचु। नमस्कार।